नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। इंग्लैंड टीम 3 साल बाद भारत में टेस्ट खेलने के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है। यहां 5 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला 25 जनवरी से खेला जाएगा। 2025 में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए सीरीज बेहद अहम है। टीम इंडिया 44.16% पॉइंट्स के साथ टेबल में दूसरे नंबर पर है। टीम 5-0 या 4-1 से सीरीज जीतकर पहले नंबर पर पहुंच सकती है, जबकि इंग्लैंड महज 15% पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। टीम 5-0 से जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंच सकती है। फिलहाल पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, उनके 61.11% पॉइंट्स है। वहीं अगर टीम इंडिया होम टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी तो उन्हें फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल सीरीज जीतनी ही होगी। वहीं इंग्लैंड अगर हारा तो टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए काफी सीरीज में ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने पड़ेंगे। 2019-21 WDC में भारत को फाइनल का टिकट इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के कारण मिला था। भारत ने 3-1 से इंग्लैंड को हराने के बाद ही साउथैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेला। 2021-23 में भी टीम इंडिया के इंग्लैंड में हारने के कारण फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कम हो गई थी। तब टीम ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ आखिर 6 में से 4 टेस्ट जीतकर फाइनल में पहुंची थी। वहीं WTC में टीमों को 1 जीत पर 12 पॉइंट्स, ड्रॉ पर 4 और हार पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलता है, जबकि टाई होने पर दोनों टीमों को 6-6 पॉइंट्स मिलते हैं। एक टीम को 6 सीरीज खेलनी ही होती है, लेकिन हर टीम की सीरीज में मैचों की संख्या फिक्स नहीं होती। किसी सीरीज में 2 ही टेस्ट मैच होते हैं तो किसी में 5 टेस्ट भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर टोटल पॉइंट्स के आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है तो उन टीमों को ज्यादा फायदा होगा जो 5 टेस्ट की सीरीज खेलती है।